hello students today we are going to take up introduction to algebra and this is for class 5 fine so you might have learned about the chapter area and parameter earlier if not now in this class in the fourth class you might be knowing about this so what is the formula for area of a square it is yes it is side multiplied by side or we say side multiplied by side. What is the parameter of a rectangle? Parameter of a rectangle is 2 into L plus B where L and B are length and breadth. What is the parameter of square? It is 4 multiplied by S. Fine. Everybody know these general things you have done in fifth also. और इन द डेफिनेटली इन द फोर्थ ऑल्सो सो व्हाट इज दिस एस एल बी एंड दिस एस दिज आर वेरिएबल्स व्हाट दिज आर वेरिएबल वेरिए मतलब व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द सम फाइन सो हमने क्या लिया अब अगर मुझे किस एक जो साइड है किसी भी स्क्वायर की वो फोर सेंटीमीटर है फाइन सो so, उसका पैरामीटर क्या आ जाएगा मेरे पास फोर मल्टीप्लाइड बाई फोर इक्वल टू सिक्सटीन सेंटीमीटर फाइन सो दिस आई हैव कैलकुलेटेड तो मैंने क्या किया ये जो वैल्यू थी ये यहाँ पर पुट कर दी फाइन सो द थिंग्स और द फॉर्मूलाज वेयर वी आर यूजिंग एनी वेरिएबल और इंग्लिश एल्फाबेट इंस्टेड ऑफ नंबर वैसे तो न्यूमरल आना था फोर सेंटीमीटर जो है वो न्यूमरल है फोर जो है वो एक न्यूमरल है एक नंबर है लेकिन एस क्या है एक वेरिएबल है सो so, ऐसी जगह ऐसी इक्वेशंस जहाँ पर हम न्यूमरल्स की जगह वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे हैं दैट इज इंक्लूडेड इन एल्जेब्रा फाइन जनरल फार्मूलाज बनाने के लिए ऐसा फार्मूला जो कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं लाइक साइड इंटू साइड एक ऐसा फॉर्मूला जो कहीं भी किसी भी सम में हम जहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है वहाँ पर यूज कर सकते हैं ऐसे पैरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल एक जनरल फार्मूला है टू इंटू एल प्लस बी एल की वैल्यू डालो बी की वैल्यू डालो यू विल गेट इट फाइन सो ऑल दीज आर द एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक नंबर्स फाइन सो एल्जेब्रा में हम क्या करते हैं हम नंबर की जगह वेरिएबल को यूज करते हैं अब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है फ्रॉम ए टू जेड एनी नंबर फ्रॉम ए टू जेड कैन बी योर एनी नंबर फ्रॉम ए टू जेड कैन बी योर वेरिएबल इट मे बी अ कैपिटल इट मे बी कैपिटल ऑल्सो इट मे बी स्मॉल ऑल्सो पर मोस्ट ऑफ द टाइम वी टेक अप द लेटर्स फ्रॉम

अगर इन सबको ऐड कर दो तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी इट विल बी फोर वन टू थ्री फोर फोर मल्टीप्लाइड बाय ए फाइन सो दिस इज द टोटल वैल्यू और टोटल लेंथ ऑफ ऑल दिज बॉक्सेस आफ्टर दिस वी हैव अ वेरी लॉन्ग बॉक्स एंड वी हैव कन्वर्टेड इन टू थ्री इक्वल पार्ट्स सो लेंथ ऑफ दिस दिस स्मॉल पार्ट विल बी इक्वल टू टोटल length and divided by 1, 2, 3. Fine. So, this is the algebraic expression for the 1 part. So, it will be x upon 3. Fine. Uh, is, uh, now, how to write up the small small uh, questions in this like 5 more than 5 x. Fine. So, x plus 5. Yani ki x se 5 jada. यानी कि x प्लस फाइव द प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन सो मल्टीप द प्रोडक्ट ऑफ ट्वेल्व एंड t सो इट विल बी ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाय t और हम इसको सिंपल ट्वेल्व टी भी लिख सकते हैं फाइन सो नेक्स्ट इज m डिवाइडेड बाय थ्राइस ऑफ n थ्राइस मतलब थ्री टाइम्स सो थ्राइस ऑफ n इज थ्री एन सो एम डिवाइडेड बाय थ्राइस ऑफ एन That means m divided by thrice of n. Fine. So, this is your answer. And the last one we have 5 times x. That means 5x, 6 times z. Matlab 6z, and in the between you have minus sign. Fine. So, simple whatever is written you have to write that expression only. Fine. So, this will be 5 times x. Minus 6 times z. Fine. Uh, please do subscribe to my channel and thanks for watching.